संविधान खत्म हो रहा है, आप नाच कूद रहे हो। ऐसा संविधान खत्म नहीं हो सकता। संविधान कोई सिगरेट नहीं है जिसे पी के उड़ा दिया जाएगा। जिस दिन संविधान खत्म होगा और संविधान खत्म करने वालों को, आप दुकान लगाते हैं संसद मार्ग पर, दुकान नहीं लग रहे, बिल्कुल सही है। जो संविधान को छेड़ेगा, मैं ये संसद से घोषणा करता हूँ, जो दुकान है आपकी, जो संविधान से छेड़छाड़ करेगा उसे जान से मार दिया जाएगा। डेफिनेटली बेशक बेशक हमें फांसी लग जाए, हम फांसी लगाने के लिए तैयार है संविधान को बचाने के लिए। जो यदि संविधान के बारे में जो ये बोलेगा कि संविधान को चेंज कर दिया जाएगा या संविधान को बदल देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, हम उनको बिल्कुल खत्म कर देंगे। कानून के दायरे में रहेगा, कानून के दायरे, कानून का, जब संविधान ही खत्म हो जाएगा कानून कहाँ बचा? वो बहुमत लाएंगे। जब संविधान खत्म हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी, कानून देश में कोई लागू नहीं होगा, तो उन्हें मार दिया जाएगा। हम मार देंगे, डेफिनेटली कह रहे हैं। नया संविधान ऐसे नहीं है कि आसानी से बन जाएगा। बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल से बनाया था संविधान। बनाना कोई मामूली काम नहीं है कि ऐसी चुटकियों में बन जाएगा संविधान। वो पागल हो चुका है, मेंटल हो चुका है, तुम उसके बारे में क्यों अपना टाइम वेस्ट कर? बागेश्वर धाम वो कल परसों का लौंडा, वो 25-26 साल का लड़का, वो अपने आप को यहाँ भगवान बना बैठा है भाई। उसमें कुछ आवे जावे है नहीं, खामों का पब्लिक का पागल बना रहा। वो जो बागेश्वर है वो किसी से कह थोड़ी रहा, मेरे पास आके बोलो भाई, बोरा उसके पीछे पागल जा रहे हैं। भावनाओं का ठेस नहीं पहचान रहा जो हमारे संविधान को खत्म कर रहा है, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ रहा है, बाबा साहब के विचारों को नष्ट करना चाह रहा है, बाबा साहब के मिशन को नष्ट करना चाह रहा है। हमारी भावना ठेस नहीं होगी क्या? पार्लियामेंट की कमेटी के सहमति से होगा ना जो भी? अरे पार्लियामेंट की सहमति से नहीं होगा, वो चंद लोग आए हुए 131 MP हैं आज भी ऑल इंडिया में SC है, उसके SC के कैसे खत्म हो जाएगा? सम्मति तो आम लोगों की भी होनी चाहिए ना, क्योंकि उसमें बैठे संसद में बैठे उन लोगों की सम्मति होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये बात नहीं पहुँचा रहे हैं, भूल जाए। तुम्हारे चैनल के माध्यम से मैं संदेश भेज रहा हूँ, जो संविधान को हाथ लगाएगा वो चूर चूर हो जाएगा, बीजेपी के खत्म कर दिया जाएगा, बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। कोई भी हो, सबके लिए मैं कह रहा हूँ, हमारा संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, और उस संविधान से हाथ लगाने की बिल्कुल भी आप जरूरत ना करें। ऐसा है, बोल तो कोई भी देता है, बोलने में और करने में बहुत अंतर होता है। ऐसे तो लोग कुत्ते भोंकते रहते हैं और हाथी चलता रहता है, और कुत्ते भोंकते रहेंगे ऐसे, कुत्ते भोंकते वो भोंकते रहेंगे ऐसे। तो इसलिए साथियों, आप इस बात को भूल जाओ कि देश का संविधान बदला जाएगा। आज केवल पर्व का विषय, आज पर्व का दिन है, त्योहार का दिन है, अम्बेडकर जयंती का बहुत बड़ी तरह से उल्लास मनाया जा रहा है संसद भवन पर, और हमारे लाखों लोग यहाँ आए हुए हैं, और हमारे कई हज़ार वकील अपने स्टॉल पर आए हुए हैं, जो ऑल इंडिया SC ST एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। वकील साहब, बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है देश दुनिया में धूमधाम से, क्या सोचते हैं आज आप? आज बाबा साहब की 134वीं जो जयंती मनाई गई है, सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो बाबा साहब की जयंती, और ये एक हर्ष उल्लास और एक त्यौहार का, आज त्यौहार के रूप में मनाई जा रही है। ये बाबा साहब का आप जन्मदिन है। आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुना था कि आप ये कह रहे थे कि ये नाच रहे गा रहे हैं, जिस तरह से दिवाली, होली, रक्षाबंधन और दशहरा मनाया जाता है, ठीक उसी तरह 14 अप्रैल भी मनाई जाती है। बाबा साहब के जितने फॉलोवर हैं, अनुयायी हैं, उनके बच्चे हैं, वो आज यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, दलित प्रेरणा स्थल पर, पूरे देश में, मैं कह रहा हूँ करोड़ों करोड़ों उनके जो फॉलोवर्स हैं, वो देश का मतलब ये बाबा साहब की जो जयंती मनाई जा रही है, ये त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय पर्व, ये राष्ट्रीय पर्व है हमारे लिए, तो इसलिए मना रहे हैं और खुश होकर मना रहे हैं। क्योंकि आज यहाँ जो भी आदमी आपको दिखाई दे रहा है, जो लोग जहाँ तक पहुँचे हैं, वो बाबा साहब के प्रयास से, बाबा साहब के संविधान से, और बाबा साहब के अथक जो प्रयास करे थे, उनकी वजह से आज हम बोल रहे हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, और संसद भवन पर आज हमारा स्टॉल जो लगा हुआ है ऑल इंडिया SC ST एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, उसमें आप जो आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। कुछ बीजेपी ने कुछ पागल नेता इकट्ठे कर रखे हैं, जिनकी बुद्धि का स्तर खराब हो चुका है, वो जब चाहे कुत्ते की तरह भूंजते रहते हैं, भौं भौं करते रहते हैं। अरे ऐसे कुत्ते कितने चले गए, हाथी इनका कभी कुछ बिगड़ा है? हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके वोटर हैं बहन जी के, और बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जिस दिन सत्ता में आ गई, उस दिन ऐसे कुत्तों को हम बता देंगे, उन्हें पिंजरे में बंद करने का काम। संविधान ऐसा नहीं है, संविधान नहीं बदला जाएगा। संविधान का जो संरक्षक वो सुप्रीम कोर्ट है, गार्जियन सुप्रीम कोर्ट है, और सबसे बड़ी है जनता, हम भारत के लोग। तो जो भारत के लोग हैं वो काम करने का काम कर रहे हैं। पर सुप्रीम कोर्ट भी तो भावनाओं के आधार पर फैसला दे देता है। नहीं करेगा बिल्कुल भी, सुप्रीम कोर्ट हो या सेंटर गवर्नमेंट हो, हम कह रहे हैं संविधान से हाथ नहीं लगाया जा सकता, ये हमारा वादा है। कौन कह रहा है राजनीतिक कमजोर है? हमारा राजनीतिक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी हमारी राजनीतिक पार्टी है, उसका एक निशान है, हाथी, नीला झंडा, नीला हाथी। ऐसा है, सत्ता में नहीं है तो ले आएंगे लोग, लगे तो हुए लोग, हमारे लोग लगे हुए हैं ना सत्ता में लाने के लिए,
काम कर रहे हैं, वोट मिलेगी इस बार, मिलेगी वोट अब की बार। बहुजन समाज पार्टी की सीटें डेफिनेटली आ रही हैं और बीजेपी जो 400 पार का बात कर रही है ना, 400 पार नहीं 400 हार की बात करो। ऐसा कोशिश हमें अपनी जारी रखनी चाहिए, कोशिश करते रहेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है कि हिम्मत हार के बैठ जाएंगे, कोशिश जारी रहेगी। बसपा पूरी तरह मेहनत के साथ लगी हुई है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं बसपा का सिपाही बोल रहा हूँ आपके सामने, इधर जरा घुमाइए, बसपा के सिपाही नहीं है क्या? अंधभक्त तो मोदी जी के भी हैं, बीएसपी के भी, उनसे सवाल पैदा नहीं करते आप? हमेशा बहन जी काम कर रही है, तेजी के साथ काम कर रही है हम, और आ रही है सब्जी का नजर आ रही है, आप गलत बोल रहे हो, गलत मैसेज दे रहे हो, ऐसे आप सब्जी नजर नहीं आती है, आएगी आएगी नजर भी आएगी, देखना आप लोग आएगी नजर आएगी। देश के लिए मैसेज आता है कि भाई हम लोग भी जागरूक है और बाबा साहब ने हमारे लिए जो संविधान के माध्यम से ये जो मैसेज सिर्फ पार्लियामेंट के आसपास ही रहता है, गांव में नहीं जाता है आपका मैसेज? जाता है, निश्चित रूप से जाता है, बताइए। क्योंकि जगह जगह से लोग यहां अपना आते हैं और जब वो यहां आते हैं तो वो अपने विचारों को वो बताते हैं कि भैया पार्लियामेंट पे इतने लोग जो आते हैं और वो हमारा एक अपना उसके माध्यम से विचार पहुंचता है गांव की तरफ। क्यों जाते हैं सारे कर्मचारी अधिकारी अपने संगठन लेकर के? हाँ, वो मैं उनके लिए इस मंच के माध्यम से आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बदलाव लें, और एक आदमी भी अगर एक आदमी को बढ़ावा देगा तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा। बाबा साहब भी बहुत बड़े कानूनविद थे, वकील थे, तो आज के वकील क्या उनको मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का संसद में? नहीं, सरकारें नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहते, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ 300-350 परिवारों के लिए ही काम करती है क्योंकि उनके जजेज और कॉलेजियम सिस्टम, हालांकि सरकार ने कहा भैया जुडिशल कमीशन को वो किया रिवाइव, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया और वो कुछ ही परिवारों के लिए काम करती है। कॉलेजियम के माध्यम से उनके कुछ परिवार जो हैं वही जजेज बनते हैं। क्योंकि हमारा तो अपना इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से ये कहना है कि भैया आप जो है एग्जाम लीजिए, एग्जाम में निश्चित रूप से हमारी भागीदारी होनी चाहिए, और आपको लगता है कि कॉम्पिटेंसी की आप लोग बात करते हैं तो एग्जाम से पता चल जाएगा कौन कॉम्पिटेंट है, कौन कॉम्पिटेंट है, कौन कॉम्पिटेंट है। और अगर आपको कॉलेजियम के माध्यम से ही जजों को भर्ती करना है तो उसमें उसी प्रोपोर्शनेट, उसमें संविधान की आत्मा के अनुसार हमारे लोगों का उसमें भागीदारी होनी चाहिए, हमारे लोग वहाँ जज बनने चाहिए, और जब हमारे लोग वहाँ जज बनेंगे तो निश्चित रूप से वो न्याय जो हमारे लिए किया जाएगा। बाबा साहब का सपना पूरा हो रहा है, आज क्या लग रहा है? नहीं, अभी तक कोई पूरा नहीं हुआ, सिर्फ बातें की जाती हैं और समाज सिर्फ एक दिन के लिए दिखाता है कि हम जो है पूरा करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, मगर जो उनकी आत्मा के अनुसार, जो उनकी इच्छा शक्ति थी संविधान के अनुसार, आज तक कोई कार्य नहीं हुआ और ना ही सरकारें चाहती हैं कि कोई कार्य हो। वो सिर्फ हमें, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों के लिए हम राशन बांट रहे हैं, तो ये सरकारें सिर्फ हमें राशन में ही उलझाना चाहती हैं, ना सरकारें रोजगार की बातें करती हैं, ना सरकारें हमें इस लायक बनाती हैं कि हम जो लोगों को रोजगार दें। तो बाबा साहब की आत्मा गारंटी चल रही है मोदी जी की, तो गारंटी सिर्फ भिखारी बनाने की गारंटी है। 5 किलो अनाज की बात करते हैं कि आने वाले 5 साल तक हम 5 किलो अनाज देते रहेंगे, मगर रोजगार की बात नहीं करते। उनका था 15-15 लाख रुपए आएंगे, वो भी आज तक किसी के अकाउंट में नहीं आए। उन्होंने कहा था कि हम 2 लाख जो है रोजगार देंगे, वो भी आज तक किसी को रोजगार नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ समाज को भिखारी बनाने के लिए सिर्फ वहीं तक रहना चाहती है सरकारें। लेकिन यहाँ जो स्टॉल लगे हुए हैं ये सैकड़ों, इनका क्या फायदा है, आम आदमी कैसे फायदा मिलेगा इससे? सिर्फ अपनी ताकत जो है प्रदर्शित करने का वो है कि हमारी ताकत ये है, मगर वोट के समय अगर यही ताकत एक ही जगह इकट्ठा होकर वोट दे तो निश्चित रूप से हमारे जो सच्चे प्रतिनिधि हैं वो जाएंगे, मगर उस टाइम पे हम लोग बिखर जाते हैं और ये जो ताकत है वोट के समय जो है अपना वोट का जो राइट है उसको सही तरह से एक्सरसाइज नहीं करती। लोग कहते हैं कि संगठन बना लिया पैसा कमाने के लिए लोगों ने, नहीं ये गलत बात है, संगठन उसके लिए नहीं बनाए जाते, संगठन अपनी आवाज़ उठाने के लिए बनाए जाते हैं। चूँकि मीडिया हमारे बातों को नहीं उठाती है, इसलिए हमें जो अपने संगठन के माध्यम से जितना भी हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा उठाए। निश्चित रूप से बाबा साहब का जन्मदिन है तो एन्जॉयमेंट तो होना ही चाहिए।